26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पोस्टर आप अपने मोबाइल से खुद से बिना पासवर्ड के PNG को डाउनलोड करके डिजाइन कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। वीडियो अच्छी लगती तो अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पेज का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके इस पेज पे आएंगे। पहले स्टेप में आपको यहाँ पर लिंक दिया गया पिक्सल लैब एप्लीकेशन का, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी क्लिक करके उस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेंगे। दूसरे स्टेप में आपको बैकग्राउंड रिमूव करना, जिस भी फ़ोटो को आप पोस्टर में लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखते हैं, तो उस फोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। उसके लिए यहाँ पर दूसरा स्टेप में आपको लिंक दिया गया बीजी रिमूव का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, और जिस भी फ़ोटो को आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं उस फोटो को अपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट करके यहाँ पर दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पर इसने थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका फ़ोटो का यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। सो भी आप यहाँ पर इसके नीचे आपको डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, क्लिक करके उस फोटो को डाउनलोड करेंगे। देन आपको फिर से उसी पेज पे बैक आ जाना है। तो मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ उसी पेज पे। तो आपको अगला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है कि आप PNG को डाउनलोड करेंगे। आपको दो टाइप का यहाँ पर PNG दिया गया है, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको जो पहला पोस्टर दिख रहा है ये दूसरा टाइप का PNG है, यानी आपको टाइप 2 वाले लिंक से डाउनलोड होगा ये पोस्टर का PNG, और टाइप 1 वाले पोस्टर से डाउनलोड होगा इसका PNG। तो जिसका भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली उस लिंक पर क्लिक करेंगे। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूं, और देन आपके सामने नया पेज ओपन होगा। यहां पर आपको डाउनलोड का सेक्शन मिलेगा, क्लिक करके यहां पर डाउनलोड कर लेंगे PNG का। देन आप वहां से बैक आएंगे तो आपने जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर ली है उसको आपको ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए ओपन पर क्लिक करते हैं और ओपन करके आपको दिखाते हैं। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। सिंपली आपको ऊपर में मिल रहा है ये 3 डॉट का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको इमेज साइज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्क्वायर को सिलेक्ट करना है, जो आप यहाँ पर देखते हैं। स्क्वायर को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर 1024, यहाँ पर आपको 924 करना, इधर आपको 1224 करना है, और ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर मिल रहा है ये सेक्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी आपने PNG को डाउनलोड किया उस PNG को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा अपने फोल्डर से। तो मैं आपको सेलेक्ट करके यहाँ से दिखा रहा हूँ, सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सही पर टिक कर लेना, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपको अपना फोटो खुद का यहाँ पर लगाने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर में प्लेस का आइकन मिल रहा है, सो आप यहाँ पर देखते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपका बैकग्राउंड रिमूव फोटो है उस फोटो को सिलेक्ट करना है। मैं किसी एक फ़ोटो को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखते हैं, इस फोटो को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, उसके बाद सही वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, और इस फोटो को अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर देखते हैं इस तरह से हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे जिस तरह से आपका फोटो सेट हो रहा है। सो आप यहाँ पर इस तरह मैंने फोटो को सेट कर दिया। सेट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, उसके लिए आपको नीचे ए वाले सेक्शन में क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जो भी आपका नाम है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर नाम लिख के दिखाता हूँ। नाम लिखने के बाद आपको ओके वाले बटन पर क्लिक करना है, तो आपका नाम इस तरह से आएगा। इसका फॉन्ट को बोल्ड करने के लिए सिंपली इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और जो भी बोल्ड फॉन्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे। ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉन्ट यहाँ से बोल्ड हो चुका है। अब आपको इसमें कलर देना है, तो इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर उस पर क्लिक करेंगे और जो भी कलर आप देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। सो आप यहाँ पर इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर सही पर कर लेना। देन आपको यहाँ पर स्टॉक लगाने के लिए सिंपली स्क्रॉल करना है, उसके बाद स्क्रॉल पर क्लिक करेंगे तो आपका स्टॉक यहाँ से ऑन कर देना, और यहाँ पर आप जो भी कलर स्टॉक लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। सो आप यहाँ पर इतना मैंने व्हाइट कलर का स्टॉक लगाया, सो भी आप यहाँ पर देखते हैं इस तरह से सही कर लेंगे तो आपका यहाँ से पोस्टर बनकर तैयार है। आपको सिंपली सेव करने के लिए यहाँ पर मिल रहा है ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा सेव एज इमेज पर, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सेव टू गैलरी पर क्लिक करना है, तो आपका जो इमेज है वो यहां से गैलरी में सेव हो गया। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। और इस वीडियो समेत आपके मन में कोई क्वेश्चंस कोई डाउट्स बन रहे तो अभी ही नीचे वीडियो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको 24 घंटे के अंदर दे दिया जाएगा।
उसके बाद इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। बाकी आपकी मर्जी है शेयर करना या नहीं करना है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नए दिन नए टॉपिक के साथ।